हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। बिरयानी बनाने के लिए मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और इसमें मैंने 4 गिलास डाला पानी और इसको कर लिया है गरम। अब इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले। इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर 1 तेजपत्ता, थोड़ी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 5 लौंग, 1 टेबलस्पून जीरा और अब इसके अंदर डालेंगे हम राइस जो कि मैंने ये 1/2 घंटे पहले भिगो कर छोड़ दिए थे। तो डाल लेंगे इसको पानी के अंदर। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून नमक और अच्छे से करेंगे इन सब को मिक्स। बिरयानी के लिए चावल बना रहे हैं तो चावल को हम थोड़ा टाइट ही रखेंगे, मतलब पूरा निकलने देंगे। बस इसमें अब अच्छा सा उबाल आने के लिए छोड़ देंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे यहाँ पर फुल ताकि उबाल आ जाए जल्दी से। राइस जो हमने रखे थे गैस से पकने के लिए ऑलमोस्ट देखिए हमारे पककर हो गए हैं तैयार। तो हमें ज्यादा इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा इसमें कच्चापन रखना है हमें। तो राइस बिल्कुल रेडी है, देखिए अभी इसमें थोड़ा सा कच्चापन है हल्का सा, तो बस हमें ऐसे ही चाहिए बिरयानी के लिए। तो बस हम कर देंगे अब गैस का फ्लेम ऑफ और इसको छान लेंगे हम एक छालनी के अंदर। राइस को छान लेंगे हम छालनी के अंदर ताकि इसका पानी निकल जाए सारा। और इसको रख देंगे बस अभी हम साइड में। और अब करते हैं हम अपनी बिरयानी के लिए सब्जियां तैयार। अब हम बिरयानी के लिए अपनी सब्जियां पकाएंगे। तो पैन रखते हैं मैंने गैस पे और इसमें डाल दिया है मैंने घी। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, तो मैं घी बना रही हूँ। घी हो गया गरम, अब इसके अंदर मैं डाल दूँ 1 टेबल स्पून जीरा और डाल दूँ मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन। एक कटा हुआ प्याज, प्याज में आ गया अच्छा सा गोल्डन कलर। तो अब इसमें हम कुछ सब्जियां और ऐड करेंगे। 1 आलू, थोड़ी सी बीन्स, थोड़ी मटर, 4 हरी मिर्च, 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे कवर ताकि सब्जियां हमारी अच्छी से जल्दी से पक जाए। सब्जियों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो सब्जियां बन गई अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम अपने मसाले। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक। अब इसमें डाल लेंगे हम बिरयानी मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, बस अब सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स। और 2 से 3 मिनट तक हम और पकाएंगे ताकि जितने भी होने मसाले डाले उनका थोड़ा कच्चापन निकल जाए और सब्जी में अच्छे से हो जाए मिक्स। मसाले और सब्जी अब पककर हो गई है तैयार। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून दही, कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े पुदीना के पत्ते,
और बस इसको भी हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे। इसको हम यहाँ पर ढककर छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये सब्जियां पक्के हो गई तैयार। अब इसमें बनाएंगे हम राइस की लेयर। अब इसमें बनाएंगे हम लेयर राइस की। अब इसके ऊपर डाल देंगे फ्राइड किए हुए अनियन। थोड़ा फ्रेश हरा कटा हुआ धनिया। थोड़े फ्रेश पुदीना के पत्ते। थोड़ा गरम मसाला। अब डालेंगे इसके ऊपर घी अच्छे से चारों तरफ ताकि अच्छे से जाए राइस के अंदर। अब डालेंगे इसमें केसर का दूध। ये भी हम चारों तरफ अच्छे से डालेंगे ताकि अच्छा सा आए इसमें फ्लेवर। एक लेयर हम फिर बनाएंगे राइस की जैसे सेम। फिर से डाल देंगे इसके ऊपर फ्राइड अनियन। हरा धनिया। पुदीना के फ्रेश पत्ते। थोड़ा गरम मसाला। अब डालेंगे घी हम चारों तरफ अच्छे से। अब डालेंगे केसर वाला दूध। इसको भी हम चारों तरफ अच्छे से डालेंगे ताकि पूरे में जाएगी अच्छे से और एक अच्छा सा आई फ्लेवर। अब डालेंगे इसके ऊपर हम थोड़े काजू। बस अब फाइनली कर देंगे हम इसको फॉइल पेपर से रैप।
कर देंगे इसको कवर। पैन को यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर रख दिया है और इसको अब हम 15 मिनट के लिए और पकाएंगे तवे पे रखकर ही। आइए चलिए अपनी बिरयानी करते हैं चेक कैसी बनी। ये देखिए एकदम परफेक्ट बिरयानी बनकर हुई है हमारी तैयार। कितना अच्छा इसमें फ्लेवर आया है और कितनी टेस्टी लग रही है देखने में भी। तो आइए चलिए परोसते हैं अपनी बिरयानी को।